Hello, Namaste. Welcome to the world of Ayurveda journey, where we explore ancient wisdom of Ayurvedic principles to incorporate in your life and lead a happy life. Myself, Dr. Srivani Pillamarapu, MD in Preventive and Social Medicine, your Ayurveda guide. Today wants to guide you about the topic, past mein jo hua hai, wo kaise bhulna hai. Okay, toh abhi sabse pehla thing hai, कि पास्ट में जो इंसिडेंट आपको बार बार याद आ रहा है या बार बार आपको रिग्रेट कर रहा है, फर्स्ट तो उसे रिग्रेट नहीं करना है. ओके, रिग्रेट नहीं करना है. जो हुआ सो हो गया, जो होना था वो हो गया, तो आपको वो बार बार रिपीट नहीं करना है, वो प्रैक्टिस नहीं करना है, वो प्रैक्टिस करना छोड़ना है आपको. ओके, अभी वो कैसे, अभी जैसे आपके पास्ट में आपको जो चीज़ बार बार सता रहा है, ओके, तो उसे आपको याद करना है और उसे बोलना है कि क्या हुआ. ठीक है, उससे अभी अभी क्या होने वाला है, उसका आंसर क्या है, सॉल्यूशन क्या है उसका, उसे खुद से बात करना है. ओके, मतलब कोई पागल नहीं बोले आपको, ठीक है, बट वैसे नहीं बोल रही, मैं अकेले में चिंतित के बारे में बोल रही हूँ. तो चिंतित जो मन है, ओके, मन है अपना, उसको आपको पूछना है. ठीक है, अभी जो हो गया सो हो गया, अभी उसका सॉल्यूशन क्या है, उसे पूछना है सॉल्यूशन क्या है. या तो मुझे आपको भूलना है पूरी तरीके से. ओके, ज़्यादातर ऐसे होता है, ये ब्रेकअप्स के बारे में ज़्यादा होता है. इट्स ओके ना, तो प्रॉब्लम क्या है, जो हुआ था आपने एंजॉय किया उसको याद करो ना. देख, नेगेटिव को क्यों याद करो, जैसे हर वीडियोज़ में मैं फोकस करती रहती हूँ कि नेगेटिव थॉट्स के बारे में. नेगेटिव थॉट्स जो आता है ना, वो बहुत ईजी है, बहुत ईजी. ओके, बट उसे कैसे भूलना है ना, वो बहुत काफ़ी हार्ड है, बहुत हार्ड है. ओके, तो अच्छी बात सीखना है तो वो बहुत हार्ड है, और बुरा चीज़ है मतलब वो इजी है, मतलब आपको बार बार याद आ रहा है इसका मतलब वो बहुत इजी काम है, ये आप पहले समझ लो. एंड हमें आउट ऑफ द कंफर्टेबल जोन जाना है और प्रेजेंट में जीना है. प्रेजेंट जो है अभी, और उस वक्त तुम पास्ट के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, तो कैसे होगा उसका, है इम्पोर्टेंट क्या है ना, वो खुद से पूछना है. और रिग्रेट कोई भी चीज़ का नहीं करना है, चाहे वो बैड हो या गुड हो, कोई भी चीज़ का रिग्रेट नहीं करना है. ओके, अगर रिग्रेट करते हो तो फिर क्या फ़ायदा, आपको पता है कि आप कब तक रहने वाले हो, नहीं ना. जो जब हरे कृष्णा जाप करते हो या फिर कोई भी स्पिरिचुअल आप करते हो, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आप जो भी क्षण आप जब एक्सपायर होने वाले हो, आपको तो पता नहीं, राइट, तो उस क्षण आपको अच्छी चीज़ों की ही याद आए, आपको रिग्रेट ना हो, खुद से वो बात करना आपको. देखो, रियलिटी में बात कर रही हूँ तो वो तकलीफ तो होने ही वाली है, बट खुद को ऐसे रखो, ऐसे जियो ना कि लोग बोले कि वाव, कि इसका जीना ना सच में बहुत अच्छा है, बट उसने अपना बनाया है, ये मत भूलो ना. तो आप दूसरे से अपना खुद का बार बार कंपेयर करते रहोगे तो कैसे आप प्रेजेंट जी पाओगे यार. फ्यूचर के बारे में तो सोचो ही नहीं. ओके, अच्छा सोचो, क्योंकि प्रेजेंट में आपको अच्छी चीज़ करना है. आपको प्रेजेंट में तो कुछ करना ही नहीं है, और पास्ट के बारे में ही सोचते रहना है और फ्यूचर के बारे में सोचते रहना है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है ना, अभी जीते हो आप, ना फ्यूचर जी पाते हो ना पास्ट जी पाते हो, तो प्रॉब्लम, तो सॉल्यूशन क्या है यार, है ना. तो जस्ट एन्जॉय दिस मोमेंट. उस आपको अभी का होश है ना, तो अभी आपको क्या करना है उसी वक्त आप सोचो अपने माइंड. ओके, जैसे मैं हमेशा हर वीडियोज में बताती हूँ माइंड के बारे में, और माइंड सिर्फ सोचने तक का चुगली करने का काम करता है. ओके, मैं सही बता रही हूँ, माइंड को कुछ काम नहीं है, उसको सिर्फ भटकना आता है. बैठता यहाँ है बट सोचता लंदन के बारे में है, बैठता फिजिकली यहाँ है. जब लेक्चर्स में हो, ज़्यादातर ऐसे होता है कि लेक्चर्स में हो तो आपका कोई सब्जेक्ट चल रहा, मैम पढ़ा रही है, और आप यहाँ पे रहते हो, बट मन से आप कहाँ रहते हो वो आपको ही पता है, राइट. तो वो ही, तो ये आपको नहीं करना है. और जो बुद्धि है अपना, इंटेलेक्ट, वो बुद्धि निश्चयात्मक, मतलब निश्चय करना, ये बुद्धि का काम है. तो बुद्धि को आपको अच्छे से चलाना है. बुद्धि जो है ऑन द स्पॉट सिचुएशन में पैनिक नहीं होना, ये कैसे नहीं होना है, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. सुबह 4 बजे उठो ब्रह्म मुहूर्त में, और थोड़ा स्पिरिचुअल करो, क्योंकि उस वक्त जो है प्योर ऑक्सीजन रहता है, तो उस वक्त अपने बुद्धि को निश्चय अच्छे से प्रॉपर जो बोलते हैं उसे, आपको रिग्रेट ना हो फ्यूचर में, वो आपको बुद्धि अच्छे से आने के लिए आप उस पर प्रैक्टिस करो ना, अच्छी प्रैक्टिस करो. अगर आपको बैठना है और सिर्फ सोचते रहना है तो उसको हार्ड वर्क लगा दो बॉडी को,
बॉडी को अच्छे से हार्ड वर्क लगा दो, बोलना इसको अभी रोज तुझे काम पे लगाती हूँ, तू मेरा सुनेगा तो मैं तेरा सुनूंगा। वो आपको बोलते रहेगा, कुछ भी बोलेगा। ओके, मुझे अभी लाइव एग्जांपल्स नहीं देना, बट जो आपके मन में आ रहा है वो मुझे आपको बताना है। ओके, आपके मन में जो भी आ रहा है उससे समझाओ कि अगर तू मेरा सुनेगा ना तो मैं तेरा सुनूंगा। ओके, ये बहुत अच्छे से याद रखना है, फ्रेंड्स नहीं कुछ नहीं, ये अपने माइंड से बात करना है आपको। तू मेरा सुनेगा तो मैं तेरा सुनूंगा भाई, जो है वो क्लियर कर दूँ। ओके, तो अपने माइंड से अपने को फाइट करना है, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। ओके, एंड पास्ट अपने आप भूल जाओगे अगर माइंड को इतना काम पे लगा दिया ना। पजल्स गेम खिलाओ, है ना, खुद के बॉडी को होमवर्क पे लगा दो, पनिश करो, और ज़्यादा पनिशमेंट भी नहीं देना है। हाँ, ज़्यादा पनिशमेंट भी नहीं देना, उसे जैसे चाहिए वैसे रखना है, तो उसको हमारे हिसाब से काम करना है मन को। ओके, तो ये मन जो चीज़ है ना, उसको आपको सिर्फ कंट्रोल में रखना है, उसे होमवर्क देना है। ओके, एंड अच्छे होमवर्क दो, ज़्यादा डांटो भी नहीं अपने मन को, अपने मन से ही आपको बहुत अच्छे से प्यार से रहोगे ना, अपना मन सुनता है यार, बहुत अच्छा है मन ना, बहुत अच्छा है, बस उसे चंचल होने से आपको रोकना है। तो अपने आप पास्ट को भूल जाओगे, आप बाद में बोलोगे कि यार पास्ट तो मुझे आजकल याद ही नहीं आता, है ना। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, एंड अभी प्रेजेंट में आपको जीना है। ओके, थैंक यू।